वैसे तो इन दिनों उत्तर प्रदेश के जनपद कानपुर देहात का रामबाग सुर्खियों में बना हुआ है। बहरहाल इस बाग की बात की जाए तो विशेषताएं ये सुनने को मिलती है कि यहाँ पर अद्भुत जड़ी बूटियों और यहाँ पे सुंदरता लोगों को इस बाग तक ले आती है। तो आज हम आपको ईटी भारत पर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में दिखाएंगे कि राम बाग में ऐसी क्या क्या विशेषताएं हैं और राम बाग को किसने संजोया है जिसके चलते यहाँ के लोग राम बाग के दीवाने हो गए हैं। झींझा क्षेत्र के रामबाग की बात करें तो साफ तौर पे तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ की हरियाली और खूबसूरती लोगों को यहाँ तक खींचे ले आती है। बहरहाल इस रामबाग में जो भी आता है तो उसको यहाँ पे जाने का मन नहीं करता है, तो वहीं पर ये रामबाग लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। आए दिन यहाँ के किस्से कहानियाँ लोगों से सुनने को मिलते हैं कि यहाँ पर अद्भुत जड़ी बूटियाँ और यहाँ पर कई फल फूल भी लगे हुए। यहाँ के ऑनर हमारे साथ में उनसे बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? रामकृष्ण कुशवाहा। रामकृष्ण कुशवाहा जी, बाग का क्या नाम है? रामबाग। अच्छा, क्या मतलब रामबाग में राम आश्रम? क्या क्या विशेषता है इसमें? इस बगीचे में हमने कोई लकड़ी वाले पेड़ नहीं लगाए, फल हैं, फूल हैं, शोभादार वृक्ष हैं, जिसमें ये आम है, आंवला है, संतरा, मौसमी, नारंगी, लीची और चीकू इत्यादि, ये बादाम, हर श्रृंगार, जड़ी बूटियाँ, ये सब पेड़ इसमें लगे हैं। देखो, कितनी जड़ी बूटियाँ इस बाग में लगा रखी होंगी आपने? करीबन 150 100 जड़ी बूटियाँ। अच्छा, ये जो जड़ी बूटियाँ हैं किस तरीके से लोग उपयोग कर पाते हैं, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? बहुत हर जिला से लोग आते हैं, हर जिला से। हम लोग बैठ नहीं पा, आज ये आए, कल वे आए। पथरी है, पथरी किसी पथरी हो गई, पथरी ये अजूबा कहते हैं, तो वो दो तीन पत्ती सुबह, दो तीन पत्ती शाम, खाली पेट खाए, पथरी ख़त्म। सर, जो लोग जड़ी बूटियाँ लेने आते हैं, जिनको आप जड़ी बूटियाँ देते हैं, तो क्या उनसे कुछ राशि भी ली जाती है? कुछ नहीं, न राशि लेते, न इसके इसके कोई फल कभी बेचते हैं, सब में परोपकार में है। सर, कहाँ से आपको मतलब प्रेरणा मिले थे कि बाग लगाना है? लल्ला, हमारी उम्र छोटी थी, हमारे पिताजी बाग लगाना चाहते थे और वे उनने कई दफ़े बाग बगीचा लगाया, लेकिन पशुओं ने उन्हें बर्बाद कर दो। फिर पिताजी हमारी छोटी उम्र में ख़त्म हो गए, 18 वर्ष, सन 65 में ख़त्म हो गए। तब हमने उनकी इच्छा पूर्ति के लिए ये हमने कि हमने बगीचा लगाएंगे, तब हमने ये राम बाग के नाम से स्थापना कराई और यहाँ मतलब विद्वान पंडितों द्वारा पत्पन्नी गांठ जोड़ कर और वो पूजन करा गए और 1 क्विंटल लड्डू बटवा कर, चारों तरफ 4-व्हीलर और मोटरसाइकिल गाड़ियाँ खड़ी थी, तब हमने बगीचा लगाया। अच्छा, कितने दिन तक ये पूजा पाठ चला था जब बाग की यहाँ पर रखा था? पूजा पाठ पूजन तो एक दफ़े में हुआ और बाकी पूजन तो रोजीना यहाँ हो रहा है। अच्छा, बच्चे आपके क्या करते हैं, क्या क्या हैं? एक बड़ा दो बच्चे हैं, एक बड़ा वाला बच्चा चित्रकूट में अध्यापक हैं और छोटा वाला बच्चा अमेरिका में इंजीनियर है। कोई अधिकारी या कोई क्षेत्रीय ऐसा कोई मतलब जो हो जो आपके बाग को काफ़ी लोग देखने आते होंगे? बहुत लोग देखने आते हैं, बहुत लोग, हम समझ लो आराम नहीं कर पाते, इतने लोग आते हैं। खोलो गेट, बंद करो, खोलो बंद करो, खोलो बंद करो। अच्छा, बाग को आपके नाम से जाना जाता है कि बाग का क्या? राम बाग के नाम से जाना जाता है, हमारा नाम रामकरण है लेकिन राम बाग के नाम से जाना जाता है। और मेरे पिताजी द्वारा ये राम बाग लगाया गया है, तो जिसमें कि उन्होंने बड़ा ही परिश्रम, अथक परिश्रम, सन 2000 से इसमें निरंतर प्रयास करते आ रहे हैं और आज करीब 1000 से ज़्यादा पौधे यहाँ पे रोपित हैं, जिसमें भी कई औषधीय पौधे लगे हैं, जिसमें कि इस समय जो कोरोना काल चल रहा है, इस समय तो लोगों की बड़ा भीड़ बनी रही गुर्च वगैरह जो औषधीय पौधे हैं इनको लेने के लिए, और जिनसे उनको बहुत ही लाभ मिला। और आज यहाँ पर अगर कोई आता है तो बगैर थोड़ी बहुत देर जरूर बैठता है, इतना अच्छा लगता है उन लोगों को। इस बाग में बहुत सारी विशेषताएं ये हैं कि बिधारा का जो पेड़ है इसमें अगर कहीं भी कट लग जाए, ज़्यादा भी कट जाए तो बांधने से कुचल के तुरंत बांध लो, तुरंत ये जुड़ जाता है,
और फिर टाके लगवाने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। और इन्फेक्शन अगर हो गया है 2 साल पुराना 3 साल पुराना वो भी ख़त्म हो जाता है इसके बाद। वो कह रहे थे कि हमारे 3 साल हो गए और इन्फेक्शन नहीं ख़त्म हुआ पैर का, और यहाँ से दवाई बराबर ले जाते रहे बिधारा और उनका ख़त्म हो गया। उन्होंने बताया कि हमारा बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो गया। अच्छा, तो इससे मतलब अनुभव किया है इनको प्रकार की जड़ी बूटियाँ लगी। क्या गैर जनपद के भी लोग आते हैं? और कितने समय से पथरी के कई लोग आते हैं, उनको लाभ भी मिला है। बिल्कुल मतलब बिल्कुल ख़त्म हो गई इनको। कितने समय से कर रहे हैं आपके पथरी काम? 2000 में लगवाया था बाग, तब से ये काम हो रहा है। यहाँ पर बड़ी दूर दूर के लोग आते हैं, जड़ी बूटियाँ लेने आते हैं, जिनको पता चलता हुए लोग आते हैं। निःशुल्क सेवा होती है, हर समय आते रहते हैं लोग। तो कौन कर रहा है ये काम आपके? ये रामकृष्ण मुनीम जी कर रहे हैं, उन्हीं ने बाग लगवाया है। अच्छा, आप लोगों को किस प्रकार का लाभ मिलता है इस बाग से? इसमें हर प्रकार का लाभ मिलता, फल हैं, दवा है, हर चीज मिलती है यहाँ पर। अच्छा, ये निःशुल्क सेवा है? निःशुल्क सेवा है, पथरी का सबका इधर पेड़ है। बहरहाल ये बाग के ऑनर रामकृष्ण जी हमारे साथ में थे। उनका साफ तौर पर कहना है इस बाग को जब उन्होंने लगाया था तो कई बार जब जानवर आ जाते थे बाग को नष्ट कर दिया, क्योंकि उनके पिताजी का सपना था बाग लगना 2002 में। उसके बाद में इन्होंने इस बाग को लगाने से पहले वैदिक मंत्रों के तहत पूजा पाठ करवाने के बाद एक भी ऐसे वृक्ष नहीं लगाए हैं जिसमें लड़की का उपास हो सके, लेकिन लोगों को फायदे के लिए जड़ी बूटी से लेकर हर वो चीज लगाई है और लोगों को निःशुल्क ये सेवा करते चले आ रहे हैं, जिसको लेकर ये आए दिन सुर्खियों में बने रहते हैं। कानपुर देहात से हिमांशु शर्मा, ईटीवी भारत, उत्तर प्रदेश।